अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ईद मुबारक आप सब लोगों को। तो जी बड़ी लेट में तैयार हो गई हूँ, तैयार शहर होगी। आज हमने पहना है लाल जोड़ा, तो मेहंदियाँ शेंदियाँ जो हैं उनके अच्छे कलर आ गए, और अभी इनको लगी हुई है तेज भूख और ये खा रहे हैं। इनका दिल कर रहा है कि ये ना बीफ खाएं, शॉट डाला हुआ इन्होंने, तो बस इन्हें अभी खाना दूंगी। तैयार में हो गई हूँ, अभी मामा ने कहा है कि जाके, मतलब जो बड़ा घर जो तायाबू का घर है, मतलब जाके सबको मिलकर आओ, ईद मिल के आओ, सलाम करके आओ। तो जी चलते हैं वहाँ, और फिर उसके बाद हम लोग देखें आगे क्या क्या होता है ईद में, ठीक है? तो चलें चलते हैं वहाँ। वो नीचे तो ये अब्दुल्ला ने मुझे इतनी सारी ईदी दी है। अभी हम आए हैं अनम की तरफ। हीटर हमारे अभी भी ऑन है क्योंकि ठंड बहुत है, और हमारी सबसे फेवरेट चाट है, मतलब पूरे मोहल्ले में सबसे मज़ेदार चाट हमें अनम के घर की लगती है। स्पेशल हम लोग ये वाली चाट खाने के लिए आते हैं, ये बहुत 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 मज़ेदार बनती है। ये है चना और आलू प्याज टमाटर, ये है रायता टाइप चटनी, और ये है इमली की चटनी। इन सबको मिक्स करो, ऊपर चाट मसाला डालो और खाओ और एंजॉय करो, बहुत मजा आता है। मैं आई हूँ, गुड़िया है, और ये मायरा है, सीट है अनम, और ये है ये सैरी। अभी हम सब बैठेंगी और खाएंगी, क्या खाएंगी? मैं हूँ चाट खाएंगी, और ये देखें ये हमने चूड़ी बनाई है, और ये हमने ब्रेसलेट पहना है, ये देखिए ब्रेसलेट 10 रुपए का, ये इस पे भी खर्चा हुआ है। तुमने क्या पहना हुआ है? अच्छे लग रहे हैं, चेंज कर लो। इसने पहनी है घड़ी और चूड़ी, इसने घड़ी और चूड़ी, दूसरे हाथ पे भी देखिए ये भी चूड़ियां। आप ये ना समझना कि इसके पास सिर्फ एक हाथ पे चूड़ियां नहीं, इसके दो हाथों पे, अगर इसके चार हाथ होते तो चारों पे। और मेरी बात सुनिए, इसने इतनी सारी चूड़ियां पहनी जैसे बड़ी इसको नहीं उतार के पहन लेंगे दोबारा से। हां इतनी बुरी लगेगी वैसे। ये है चाट, बहुत मजेदार। वो बैठी है अनम, ये बैठी है सारी मायरा गुड़िया, और वो कहीं 100 मील दूर ना हीटर पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा। जो अनम है ना, अनम का पाइप बहुत लंबा था, तो मेरी गोद में आ रहा था हीटर, मैंने कहा वो उधर आते जरा। ठंड इतनी, चाट खा के ना कप कपी लग गई है, कप कपी गर्म मिला है। सूप बना लेती ना अनम, मैंने भी कहा साथ कुछ बना लेती। ऐसा करो एग बॉइल करके ले आओ, जाए ये अनम बैठे अनम अंडे उबाल के ले आओ, कच्चा कच्चा उबालना, चूल्हे के नीचे रखे हुए हैं, चूल्हे के नीचे और साथ काली पत्तियां क्या कर ले आओ, ऊपर काली मिर्च हल्की सी नमक डाल के ले आना, ठीक है? जाओ मेरे दौरे कराना। अभी हम लोग बैठे हैं धूप पे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा लग रही थी, और बहुत मजा आ रहा है। तब ऐसे वाली खिदमत ईद पे ही होती है लड़कियों की, और फिर हमें करनी पड़ती है अपने अपने घरों में जाके इन सब की। तो ये देखें चार्जर कमरे में होता है, ओहो धूप ही चलेगी। ये और ये हमारी खिदमतें, तो जी ये था हमारा पिक्चर का टाइम, मतलब हर टाइम ही हमारा पिक्चर का टाइम होता है ईद वाले दिन खास तौर पे। तो
तो जी ईद जो है वो पहुंच आई है दोपहर के खाने तक। अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे और मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार पुलाव दम पे था। तभी मैं इसमें डालूंगी ये वाले लेमन क्योंकि वो क्या हो गया क्योंकि जो मैं पुलाव बनाती हूँ उसमें टमाटर प्याज और लेमन जो है वो मैं ऊपर क्या करती हूँ ऊपर डालती हूँ। बहुत 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 यूनिक पुलाव बनता है और ये चीज़ें सारे डाल के जो आप खाएंगे ना तो मैं कहती हूँ आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बस अभी अंदर लेकर जाते हैं और करते हैं लंच क्योंकि भूख लगी है और वीकनेस से भी फील हो रही है। आज खाना खाना ज़रूरी है, इफ्तारी तक का टाइम तो हो ही है, तो चले मिलते हैं लंच पे। तो जी मैं अभी उठी हूँ सो के, ये तीनों जो हैं ये मेरे पास सोने के लिए आ गए थे और ये है मेरी पुप्सी का बिस्तर। इसकी स्टोरी भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सुनाऊंगी। अगर किसी ने कैट रखनी और वो मतलब उसे आदत हो सास सोने की तो वैसे सुला सकता है। और अभी टाइम हो रहा है कुछ ये हो रहा है, तो जी अब मैं उठूंगी, अब देखते हैं क्या होता है। खाना खा के मैं सो गई थी। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय। हो गई है रात और अभी जो दिल कर रहा था वो कह रहा था लियासी के पकोड़े खाने को ना, तो अभी तो सब कुछ बाहर बंद है, सब कुछ बंद है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ। इस तरह से आलू कट कर लें छिलके के साथ ही, फिर इसे अच्छे से वॉश कर लें और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि क्या करना है। बहुत ही मज़े की ये डिनर चिप्स बनती है। अभी ऐसा है कि मैंने बेसन डाल दिया, अब ये है सूखा धनिया, ये इसमें डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और डालेंगे चिकन पाउडर, नमक, दड़ा मिर्च है तो वो डाल दें, नहीं तो लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दें, ठीक है। ये सब कुछ डाल के इसे मिक्स करके थिक सा जरा बना के फिर मतलब इसको मिक्स करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये है, तो मैंने डाल दी है इसमें फ्राइज और इस तरह से ये तैयार हो जाएंगे। इतना थिक आपने बेसन रखा है, साथ चावल गर्म कर रहे हैं। अभी बनाएंगे चाय और साथ खाएंगे फियोनिया जो मामा की ईदी में आई थी। तो जी यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड। हम लोगों ने डिनर कर लिया, बहुत मज़ा आया, थक गए थे, याद नहीं रहा। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।